मध्य प्रदेश में ये जो छह चेहरे आप देख पा रहे हैं, तीन इस तरफ छह जो नाम है ये बहुत मजबूत प्रतिभागी हैं। किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। कयास तो लग रहे हैं इन सभी नामों को, किसी को भी इनकार आप नहीं कर सकते। तमाम हमारे सहयोगी भारतीय जनता पार्टी दफ्तर से वहां पर भोपाल में जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप ये समीकरण पर भी नजर डालिए। ओबीसी शिवराज सिंह चौहान आते हैं राजपूत समुदाय से, नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं राजपूत से ही समुदाय से आते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ओबीसी प्रहलाद पटेल, इनको भी इनकार नहीं कर सकते, और ब्राह्मण से आते हैं बीडी शर्मा जो अध्यक्ष हैं। और ये बीच में जो कुर्सी आप देख रहे हैं इसी की जद्दोजहद है, इसी की मारामारी है, इसी के लिए सब कुछ ये हलचल हो रही है कि इस पर किसको आसीन कराना है जो कि मध्य प्रदेश को आगे लेकर जाए। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा सांसदों को एमपी से जिताकर दिल्ली रवाना करें, उस पर बागडोर दिया जाएगा। और साथ ही कास्ट फैक्टर ये इंपॉर्टेंट है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मनोहर लाल जब पहुंचे शिवराज सिंह चौहान से मिलने, गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया, दोनों के चेहरे देख सकते हैं, खुशी साफ तौर पर झलक रही है। लेकिन ये खुशी में असल में छुपा क्या है वो अब से थोड़ी देर के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। रवीश पाल सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और अशोक सिंगल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, जो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, खुशी तो नजर आ रही है मामा के चेहरे पर शिवराज सिंह चौहान पर, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि वो दरअसल खुशी थी या कुछ और इसमें छुपा हुआ था। इनकार छह चेहरे में से किसी को भी नहीं नकारा जा सकता, लेकिन असल किसको चुना जाएगा यही महत्वपूर्ण है। सब यही जानना चाहते हैं, मुख्यमंत्री कौन। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी नजरें इसी बात पे लगी है, पूरे मध्य प्रदेश की नजरें इसी बात पे लगी है। खुद शिवराज सिंह चौहान जिनसे ऑब्जर्वर जो मिलने गया है उनके मन में भी ये सवाल होगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है, वो बनेंगे या कोई और बनने वाला है। तो ये तमाम सवाल हैं और लगातार इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और आज वो दिन आ गया है कि जब तीनों ऑब्जर्वर जो दिल्ली से आए, आलाकमान ने उनको भेजा है, मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा, ये तीनों के तीनों आज विधायकों से बातचीत करके शाम तक ये फैसला कर देंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है मध्य प्रदेश का। लेकिन तमाम हालांकि तय हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा की कई दौर की बैठकें दिल्ली में हो चुकी हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, छत्तीसगढ़ का फैसला हो चुका है, अभी मध्य प्रदेश से राजस्थान का होना है, तो फैसला कर चुका है आलाकमान। लेकिन आज विधायकों से भी बातचीत की जाएगी, फाइनल ओपिनियन उनसे लिया जाएगा और उसके बाद तय किया जाएगा। लेकिन तमाम इक्वेशंस, तमाम कैलकुलेशन करने के बाद ही नाम तय होगा, यानी यहाँ पे जो सुनाया जाएगा फैसला उसके बाद ही होगा, क्योंकि तमाम चीजें ध्यान में रखनी होगी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, केंद्रीय लीडरशिप हो या स्टेट हो, कि 50% ओबीसी वोट है यहाँ पर और 68 सीटों पर कैंडिडेट ओबीसी उतारे गए थे। और प्रहलाद पटेल ओबीसी से आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर बड़ा नाम है, स्टेट पॉलिटिक्स भी उन्होंने की है, कई बार मंत्री रहे हैं, सेंटर में मंत्री रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं, और बाकी और भी चेहरे हैं। शिवराज सिंह चौहान का भी लंबा मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल रहा है, इस चुनाव में भी काफी एक्टिव रहे हैं, सांसद के तौर पे भी उनका कार्यकाल रहा है, तो देखना होगा कि किनको आलाकमान मोहर लगाता है और विधायकों से राय लेने के बाद ऑब्जर्वर किसका नाम तय करते हैं। लेकिन इतना जरूर होगा 2024 सामने है, वो भी फैक्टर होगा और मध्य प्रदेश की आगे की राजनीति को देखते हुए ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान से एक कर्सी कॉल इन तीनों ऑब्जर्वर्स ने रखी है, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री हैं वो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के मन में जरूर ये लगातार है कि किसकी लॉटरी खुलती है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अभी तीनों ऑब्जर्वर्स ने शिवराज सिंह चौहान को नहीं बताया होगा। बने रहिए हमारे साथ, रवीश का भी हम रुख करेंगे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इस बीच क्या प्रतिक्रिया दी है हम दर्शकों के बीच रख देते हैं, सुनिए शिवराज सिंह चौहान। ज्यादा हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और नया गीत है, विधानसभा में हम भले नहीं जीते लेकिन लोकसभा के चुनाव में दोनों विधानसभा पूरे श्योपुर जिले से भारी बहुमत को जिताएंगे। ज्यादा हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और नया गीत है, विधानसभा में हम भले नहीं जीते लेकिन लोकसभा के चुनाव में दोनों विधानसभा पूरे श्योपुर जिले से भारी बहुमत को जिताएंगे। हार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, क्या इसमें कुछ इंडिकेशन है, संकेत दिया था, लेकिन इसका इंपैक्ट क्या होगा ये देखने वाली बात होगी।